हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे क्लच प्लेट के बारे में बात करूंगा। क्लच प्लेट किस तरह से चेंज किया जाता है और क्लच प्लेट का क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स, अगर आपका फोर व्हीलर है तो आपका क्लच प्लेट अगर जला हो तो आप फोर व्हीलर को नहीं चला सकते, आपका कोई भी गियर काम नहीं करेगा, गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में आपका बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आप गाड़ी को बंद कर देते हैं तो आपका सारा गियर लगेगा, यहाँ बैक गियर भी लगेगा, फर्स्ट गियर भी लगेगा, सेकंड, थर्ड, सब गियर लगेगा, सारा चीज नॉर्मल लगेगा, लेकिन आप गाड़ी आगे की ओर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मैं आप सबको दिखाऊंगा कि किस तरह से क्लच प्लेट चेंज किया जाता है और क्या क्या चेंज होता है, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि क्लच प्लेट को किस तरह से मैं असेंबल किया। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं किस तरह से मैं क्लच प्लेट चेंज करूंगा। दोस्तों, मैं मैजिक का क्लच प्लेट खोल रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लच प्लेट किस तरह से लॉक करके बाहर निकाला जाता है। पकड़ दो भाई, इतना में ऐसे ऐसे इस टाइप का, बस बस इतने में। सबसे पहले तो एक 5 mm का एलंकी ले, और इस एलंकी को इसके ठीक गियरबॉक्स के पीछे एक होल है, आप उसमें डाल दीजिए। यहाँ इस जगह पे ये एलंकी घुसेगा, ये इस टाइप का। के बाद बारह एमएम का पाना से आप इसका क्लच प्लेट खोल सकते हैं। इस टाइप का 6 volt खोलेंगे और इसका क्लच प्लेट आसान से बाहर आ जाएगा। और आप इसका देख रहे हैं क्या कंडीशन है क्लच प्लेट का, सारा टूटा हुआ है, सारा स्प्रिंग टूट गया है, क्लच प्लेट डैमेज हो चुका है। और ये रहा उसका फ्लाईव्हील रिंग, और मैं इसको असेंबल करते हुए भी दिखाऊंगा आपको। ये मैं उसका क्लच प्लेट लेके आ चुका हूँ, न्यू क्लच प्लेट जो कंपनी में लगा हुआ था उसी का। ये उसका रिलीज वायरिंग है और ये क्लच प्लेट है और ये उसका प्रेशर प्लेट है जो बिल्कुल न्यू है, और मैं उसको फिटिंग करके दिखाऊंगा कैसे फिटिंग किया जाता है। ये अच्छा से मैंने साफ़ कर दिया हूँ इस जगह पे अच्छा से, और इसकी बैरिंग बिल्कुल ठीक है इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। और हमें एक गियर बॉक्स का टॉप पिनियन चाहिए, ये इस टाइप का टॉप पिनियन, ये पुराना कोई भी टॉप पिनियन आप ले लें। और सबसे पहले क्लच प्लेट को आप ऐसे इस पर बैठा के एक बार देख लें, ये आपका स्टेप का, और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टॉप पिनियन है। ये टॉप पिनियन के ऊपर में मैं रख रहा हूँ इसका रिलीज प्रेशर प्लेट, और
ठीक इसके ऊपर पे मैं ये क्लच प्लेट रखूँगा। इसका पिनियन बना हुआ है, देखिए इसमें पिनियन है, ये पिनियन है, पिनियन में आराम से बैठ जाएगा पिनियन, ये आराम से इसके अंदर घुस जाना चाहिए, ऐसा ये घुस गया, ये आपको बहुत इजी होगा फिटिंग करने में। और आप इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे इस तरह से आप उठा के आप इस तरह से उसको बैठा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उस बैरिंग के अंदर स्टॉप पिनियन को डाल दिया और टॉप पिनियन को अंदर तक मैंने दबा दिया। दबाने के बाद ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट को मैं इस तरह से इस पर बैठा दिया, इस तरह से इस तरह से। तो दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दें, प्रेशर प्लेट का बोल्ट लगने वाला होल ये है, ये नहीं, ये नहीं, ये आज सामने में दो छेद होंगे, ये है इनका सेटिंग। सारे जगह पे देखें, यहाँ पे देखिए ऐसे आपका दो होल दिया हुआ है, यहाँ पे दो रिपीट मारा हुआ है, फिर इस जगह पे एक रिपीट है, फिर इस जगह पे नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका बैलेंसिंग है, ये बैलेंस के लिए बनाया गया है, ये रिपीट जो है ये प्रेशर प्लेट का बैलेंसिंग है, इससे कोई प्रॉब्लम। आप उसके बाद अच्छा से आप एक वोल्ट लगा लें, पहले इसको सही से आपका यहाँ इस क्षेत्र में ये स्टेप का बोल्ट हो गया, और भी है एक यहाँ लगेगा, ऐसा एक इस पे एक इस पे एक इस पे एक इस पे इसके बाद में सारा बोल्ट हाथ से सटाने के बाद में आप एक बार टॉप पिनियन को अपनी ओर खींच के पूरे बाहर करें। बाहर करने के बाद में आप उसके वापस आप उसको उसी पे डालें, ताकि मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, इजी से चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये इजी से बाहर आ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं पिनियन आपको दिखाना हूँ, ये देखिए इस जगह पर घाट बना हुआ है, ये मेरा टॉप पिनियन का है और ये आराम से जाना चाहिए ऐसे, जैसे कि देखिए मैं थोड़ा सा पुश करूँगा बस, ये देखिए चला गया, मतलब बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि क्लच प्लेट अगर थोड़ा भी हिल जाएगा तो आप गियरबॉक्स सेटिंग नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अब मैं इसको फाइनल टाइट करने वाला हूँ, इससे कन्फर्म हो गया कि मेरा क्लच प्लेट बिल्कुल सही से बैठा है।
और थोड़ी थोड़ी करके सारे बोल्ट को टाइट कर लें इस तरह से। कभी भी एक बोल्ट को मच के टाइट ना करें, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सारा बोल्ट को आपको टाइट करना है, क्योंकि आप एक बोल्ट टाइट करेंगे तो दूसरा बोल्ट आपको लूज मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको करना है। इससे क्या होता है कि क्लच एक साइड टाइट ज़्यादा नहीं होगा। ये हो गया कंप्लीट। अब मैं रिलीज बैरिंग कैसे बैठाऊंगा गियर बॉक्स में वो दिखाऊंगा। ये क्लच प्लेट आपका हो गया कंप्लीट। ये रिलीज बैरिंग है और इसको किस तरह से फंसाया जाता है वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ ये पिन, यहाँ शामिल है ये वाला पिन, इस पे घुसेगा ऐसे करके। ये पिन को पहले स्टेप से फंसाइए और फिर ये आराम से इसको घुस जाएगा स्टेप का। लेकिन यहाँ इसका लीवर आपको खोलना होगा। बगैर लीवर खोले हुए आप इस पिन को नहीं फंसा सकते हैं। ये हो गया रिलीज बैरिंग बैठाना स्टेप का। ये ओके है, ये निकलेगा नहीं। फ्रेंड आपने देखा मैं किस तरह से क्लच प्लेट चेंज किया, रिलीज बैरिंग चेंज किया, प्रेशर प्लेट चेंज किया। तो फ्रेंड क्लच प्लेट चेंज करने का यही प्रोसेस होता है जिस तरह से मैंने किया। तो फ्रेंड आप सबको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो फ्रेंड बिल्कुल करें, ताकि मैं इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाऊँ और आप सबको दिखा सकूँ। जय हिंद।